Hello everyone, I hope you all are good and I welcome you all in the series we started that is Learn English Through Novel. तो चलिए शुरू कर दें आज का हमारा सेशन और देखते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं. ग्रामर वोकैब्स ना स्ट्रक्चर्स एक्सप्रेशंस ये सारी चीज़ें हम इस नावल के थ्रू सीखने की कोशिश करते हैं. तो अभी तक हम जो स्टोरी हमारी थी उसमें क्या है कि शो स्टार्ट हो गया है और सारे इसमें जो 3-4 फ्रेंड्स हैं एक राइटर मिला करके जो रॉबिन है जिसने बुक लिखा है सब अपना बारी बारी से इंट्रोडक्शन दे रहे हैं. सबकी एक एक बात हो गई. तो अब तक अब आते हैं अगला जो हमारा करेक्टर है दैट इज़ नेम मनप्रीत. वो कैसे बता रहे ओके लेट मी आस्क यू मनप्रीत नाउ. तो शांभवी बोल रही क्या बोल रही ओके लेट मी आस्क मनप्रीत नाउ कि देखो फिर आ गया लेट का यूज़. तो लेट आप बार बार पढ़ रहे हो तो लेट का मतलब क्या होता है बेसिकली कि करने देना या होने देना. और ये वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर वर्ब की तरह ही होता है इस्तेमाल. और जो बोला गया कि लेट मी तो मैंने आपको कई सारे बेसिकली इसके 3 यूसेज हैं लेकिन 2 मैं आपकी चर्चा कर चुका हूँ यहाँ पर. एक में होता है कि वन वी अलाउ समवन टू डू समथिंग तब हम लेट का इस्तेमाल करते हैं. और लेट के बाद क्या होता है अब लेट आता है उसके बाद समोन आता है फिर वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है. बस आपको इतना ध्यान रखना है. तो लेट मी आस्क मनप्रीत नाउ अब मुझे पूछने दो मनप्रीत से ये इसका मतलब निकला. अब आई होप कि क्लियर हो गया. इतना आगे चले बोला गया कि टेल मी है ना बताओ मुझे मनप्रीत व्हेन डिड यू गाइस गेट टू नो व्हाट यू वर गोइंग सॉरी यू वर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस बुक. तो क्वेश्चन क्या पूछा कि टेल मी मनप्रीत कि मनप्रीत मुझे बताओ व्हेन डिड यू गाइस गेट टू नो. देखो ये भी क्वेश्चन क्या है जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि उन्होंने पूछा कि व्हेन डिड यू गाइस गेट टू नो आप लोगों को कब पता चला दैट कि यू आर गोइंग टू बी कि आप लोग होने जा रहे हैं है ना होने जा रहे थे वर है ना पास्ट की बात करें तो यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस बुक इस बुक का आप लोग हिस्सा बनने वाले थे कि आप ये बात आपको कब पता चली ये शांभवी ने पूछा. एंड हाउ डिड यू रिएक्ट हाउ डिड यू रिएक्ट कि आप लोगों ने कैसे प्रतिक्रिया दी मतलब कैसा लगा आपको वहाँ पर. देखो व्हेन लगाया इन्होंने और व्हेन आया है तो ये आपका अगला वाला जो क्लॉज है वो सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है. इसके पहला ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है ना कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है. तो ये जो ये कंडीशनल सेंटेंस है तो व्हेन यू गॉट टू नो जब आप लोग को पता चला व्हाट दिस स्टोरी बिगिंस सॉरी दैट दिस स्टोरी बिगिंस विद यू गाइस कि ये जो कहानी शुरू हो रही है नॉवल शुरू हो रहा है ये आप लोगों से शुरू हो रहा है तो आपके रिएक्शंस क्या थे आपकी प्रतिक्रिया क्या थी ये क्वेश्चन पूछा किसने शांभवी ने किसे मनप्रीत से पूछा स्पेशली इस पर है ना. तो मनप्रीत टू का ब्रेथ लिखा हुआ है. देखो यहीं पर BREATH ब्रेथ है इसी में अगर मैं इस तरह लिख दूँ इसको BREATHE हो जाए अगर ये मैं लिख दूँ तो इसका मतलब हो जाएगा ब्रीद और इस ये बन जाएगी क्या वो बन जाएगी जिसका मतलब था सांस लेना छोड़ना ये ब्रीद हो जाएगा ब्रीदिंग पूरा होता है. तो मनप्रीत टुक मनप्रीत ने लिया अ ब्रीथ है ना अ लिखा हुआ एक सांस ली और टू है ना या दो सांसें ली बिफोर ही स्पोक कि बिफोर ही स्पोक कुछ बोले उसके पहले ये है ना ये बोला. आगे ही ऑलमोस्ट began his answer with dragging hum मतलब कि उसने ऑलमोस्ट लगभग अपना जो आंसर देना था उसको शुरू किया किससे dragging खींच करके क्या जिससे उन्होंने बोला तो ऐसे करके उस फिर आगे बोलना स्टार्ट किया ऐसा कुछ उसने बोला. बट देन ही पॉज्ड देन है ना बट लेकिन देन और तब क्या हुआ ही पॉज्ड वह रुका थिंकिंग डीपली मतलब एकदम अंदर तक गहराई तक वो सोचने है ना सोच करके. आफ्टर विच जिसके बाद ही गॉट गोइंग विद हिज रिप्लाई और वो अपने रिप्लाई के साथ चलते बना मतलब कि उसने रिप्लाई क्या दिया है ना वेल इंटरेस्टिंगली है ना जैसे बोलते ना हाँ ठीक है ऐसे ऐसे बोलते हाँ ये सब है ऐसे ऐसा करके बोला वेल इंटरेस्टिंगली आई गॉट टू नो अबाउट इट वंस द बुक वॉज इन द मार्केट है ना कि जस्ट मजाक कर रहा था. तो उसने क्या बोला कि आई गॉट टू नो मतलब इतना सोचने के बाद ही कौन बोलता है ना सीधे सीधे बोल देते हैं ना. तो उसने क्या बोला आई गॉट टू नो अबाउट इट वंस कि आई गॉट टू नो गेट टू नो पता चला है ना कि मुझे पता चला
अबाउट इट, इट का मतलब बुक है ना, वंस जब, एक बार क्या है द बुक वॉज इन द मार्केट, जब बुक कहाँ थी, मार्केट में थी, यानी पब्लिश हो चुकी थी, तब पता चला, सीधा सीधा बोल देता ही स्माइल्ड है ना, और क्या वह मुस्कुराया, और एंड क्या है ही जो स्माइल्ड और उसकी जो मुस्कान थी, इनिशिएटर शुरू कर दी क्या शांभवी से स्माइल है ना, कि मतलब वह मुस्कुराया तो उसकी वजह से कौन मुस्कुराया, शांभवी है ना। तो आप अगर नोटिस कर रहे हो तो थोड़ा सा नहीं, ये मनप्रीत जो है ना ये थोड़ा सा नॉटी टाइप का है, मतलब कि थोड़ा चंचल स्वभाव का है। तो आगे अगर देखें तो पता चला कि यू मीन रॉबिन डिड नॉट टेल यू है ना, कि रॉबिन ने, यू मीन मतलब आपका मतलब ये, इसका मीनिंग क्या, यू मीन आपका मतलब ये कि रॉबिन डिड नॉट टेल यू है ना, कि रॉबिन ने आपको बताया नहीं है ना, वाइल ही वॉज राइटिंग, कि जब वह लिख रहा था, तो वाइल है ना, कि वाइल तब लगाते हैं जब दो काम साथ में करते हैं, और इसके कई सारे सेंस निकलते हैं। तो वॉइल जब हम यहाँ कंजंक्शन की तरह लगा रहे हैं, तो दो काम देखो, एक साथ वो लिखना, दूसरी तरफ बताना। तो वही उन्होंने बोला कि जब रॉबिन अपनी नॉवल को लिख रहे थे तब तुमको बताए नहीं क्या है ना, ऐसा उन्होंने बोला। ही नो ही डेंट है ना, नहीं उसने नहीं बताया, ऐसा उन्होंने बोल रिप्लाई दिया है ना, ही डेंट। तो जैसे आप इनको कहाँ से, आप देख रहे हो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, फ्रेजेस हैं, क्लॉजेस हैं, इनका इस्तेमाल किया जा रहा है और इजी लैंग्वेज में देखा जा रहा है ना। आगे देखो, एक नया स्ट्रक्चर आपको भी बताते हैं, नया क्या, पुराना ही है बट आप लोगों में हो सकता है किसी को ना पता हो इसलिए। एंड हैड ही डन दैट आई वुड हैव गॉट माई करेक्टर पोर्ट्रेट इन बेटर वे है ना। अब जरा आपसे मेरा ये जो लगा हुआ है ना साइन लगा हुआ, इसको सेमी कॉलन बोलते हैं है ना, सेमी कॉलन बोलते हैं। तो अब जरा मेरा सवाल आपसे ये है कि हैड ही डन दैट आई वुड हैव गॉट माई करेक्टर पोर्ट्रेट इन बेटर वे, तो ये जो इन्होंने लिखा कि हैड का इस्तेमाल किया, और हमने सीखा है कि अगर किसी भी सेंटेंस में क्या हो, अगर उसकी हेल्पिंग वर्ब को बाहर उठा के रख देते हैं तो वो एसनो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, लेकिन और साथ में क्वेश्चन मार्क लगता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क तो लगा नहीं है, क्या लगा है, सेमी कॉलन लगा है। तो आप इसको क्या बोलेंगे, ये इंट्रोगेटिव है कि नहीं है, तो ऑब्वियसली है ना इसका आंसर हुआ नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है। तो ये है क्या फिर, ये क्या है, ये हमारा सेंटेंस कैसा है, कंडीशनल सेंटेंस है, कैसा है, कंडीशनल सेंटेंस है ना, और ये एडवांस्ड वाला है। तो अगर आपने कंडीशनल सेंटेंस नहीं पढ़ा है तो आप मीन्स ग्रामर वाला जो मेरा प्लेलिस्ट में जाएं, और ग्रामर वाला जो ऑप्शन है जो प्लेलिस्ट बनी उसमें ऑन खोलें उसको, और वहाँ पर जाके क्या देखें, कंडीशनल सेंटेंस है, दो पार्ट में है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये एग्ज़ाम में भी कुछ पूछता है, जैसे एरर में पूछ लिया तो आप लोगों को लगता है क्वेश्चन मार्क नहीं लगा तो हैड कैसे लगा सकता है, वहीं पर एरर हो जाता है। तो ऐसा सही है, ये हैड का यहाँ मतलब है यदि, क्या मतलब है, यदि इसका मतलब है, इफ़ मतलब है, क्या है, इफ़ इसका मतलब है ना, हाँ ये स्ट्रक्चर होता है। तो हैड का यहाँ पर क्या मतलब निकालेंगे, यदि निकालेंगे, अब हैड हटा दो और इसको अंदर कर लो है ना, हैड ही डन, अगर उसने है ना, यदि उसने क्या, हैड ही डन मतलब क्या, अगर उसने बताया होता दैट आई वुड हैव गॉट माय पोर्ट्रेट करेक्टर पोर्ट्रेट इन बेटर वे, अगर इसने मुझे बताया होता कि मैं नॉवल में तुम्हारी भी चर्चा कर रहा हूँ, तो आई वुड हैव गॉट है ना, देखो यहाँ पर वुड लगा, उसके बाद हैव लगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, तो गॉट लगा हुआ है ना, तो आई वुड हैव गॉट माई करेक्टर पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट का मतलब होता है चित्रण करना इन अ बेटर वे, कि अपना जो मेरा ना चरित्र चित्रण है, चरित्र का मतलब जो मेरा इसमें करेक्टर स्केच किया गया है उसको मैं अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से बोलता भाई, और अच्छे से लिख दूँ है ना, अगर मुझे पता चला होता तो। मनप्रीत चकल्ड है ना, तो आपको पता है कि बीम होता है, गफा होता है, ग्रिन होता है ना, चकड़ उसी तरह, जो चकड़ का मतलब था मुँह दबा के हंसना, तो मनप्रीत क्या किया, मनप्रीत ने मुँह दबा के हंसा, एंड देन ही एडेड, और तब आगे क्या कहा उसने है ना, एडेड का मतलब आगे कुछ वही बात कंटिन्यू करते हुए बोला कि एक्चुअली आई वॉज इन US है ना, कि मतलब कब कि अगर आप सच बताऊँ तो मैं US में था, वाइल रॉबिन रोट दिस बुक एंड गॉट इट पब्लिश्ड है ना, कि जब रॉबिन ने इसको लिखा और इसको पब्लिश किया है ना, तब उस समय मैं कहाँ पर था कि मीन्स ये US में था,
हाउ अबाउट यू है ना, आप अगला जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हाउ अबाउट यू, कि किसके बारे में, अमरदीप के बारे में, आप अमरदीप से पूछ रहे हैं कि हाउ अबाउट अबाउट यू है ना भाई, चलो भाई आपकी बारी है, अमरदीप से पूछा। शांभवी टर्न्ड हर हेड टू प्रॉप रामजी, रामजी वही है ना जो मनप्रीत सॉरी अमरदीप है उनकी बात कर रही, तो जो अमरदीप की तरफ टर्न हुई और उनसे पूछने लगी है ना कि मतलब अपना सिर उनकी तरफ घुमाया। टर्न टू प्रॉप, प्रॉप का मतलब था जांच करना, मतलब उनसे पूछने के लिए। अमरदीप कॉन्टिन्यूड स्माइलिंग एंड क्लैरिफाइड द पिक्चर सेइंग है ना ओनली हैप्पी न्यू अबाउट इट है ना, कि मतलब क्या है कि अमरदीप ने कॉन्टिन्यू रखा मुस्कुराते हुए एंड ठीक है क्लैरिफाइड, क्लैरिफाइड का मतलब एकदम क्लियर कर दिया द पिक्चर, कि मतलब सेइंग ओनली हैप्पी न्यू अबाउट इट, मतलब कि उसने पूरा का पूरा जो माजरा था पूरा केस था सुलझा दिया, बोला कि सिर्फ इसको हैप्पी को इसके बारे में पता था, बुक के बारे में क्या लिख रहा है और किसी को पता नहीं था। फॉर द रेस्ट ऑफ अस इट वॉज अ स्वीट सरप्राइज है ना, कैसा था, स्वीट सरप्राइज। तो अगर यहाँ पर मैं बोलूँ स्वीट क्या है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल जरा इसके बताइए, ग्रामेटिकल प्रोफाइल का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी वर्ड हो तो उसको आप पहचानो कि वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, प्रपोजिशन है ना, ये क्या है, जब आप पहचानोगे तभी आप अच्छे से उसको यूज़ कर पाओगे। तो यहाँ पर जो स्वीट है क्या है ना, सरप्राइज, सरप्राइज, तो स्वीट सरप्राइज आपका क्या हो गया नाउन, और नाउन को जो मॉडिफाई करता है वो क्या होता है एडजेक्टिव होता है ना। तो फॉर द रेस्ट ऑफ अस, रेस्ट ऑफ अस का मतलब हैप्पी को छोड़ दो, जो बाकी लोग बचे हुए थे ना, इट वॉज अ स्वीट सरप्राइज, क्या एक स्वीट सरप्राइज, बड़ा अच्छा मीठा सा सरप्राइज था ना कि अच्छा। गिविंग नॉटी लुक टू मनप्रीत था ना, कि मनप्रीत को एक नॉटी लुक, मतलब थोड़ा सा वही नटखट वाला, ही एडेड प्लेफुली, मतलब कि वही हंसी मजाक में, एंड आई बिलीव रॉबिन हैज़ ऑलरेडी प्रोजेक्टेड एमपीज करेक्टर इन मच बेटर वे है ना, कि एंड आई बिलीव, मैं आशा करता हूँ कि रॉबिन का जो करेक्टर हैज़ ऑलरेडी प्रोजेक्टेड है ना, रॉबिन हैज़ ऑलरेडी प्रोजेक्टेड, रॉबिन ने पहले से ही क्या कर दिया है, चित्रित कर दिया है किसका, एमपी का करेक्टर मतलब मनप्रीत का करेक्टर इन अ मच बेटर वे, एक अच्छे तरीके में है ना। तो और एवरीवन लॉफ्ट, और सारे लोगों ने क्या हंसा है ना, तो सारे लोग ने हंसे मतलब कि ठाके लगा है ना। तो आज इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे तो क्या है कि आवाज़ आ रही है ना, तो चलिए इसे एक इतना कंप्लीट कर लेते हैं है ना, फिर हम आगे चलेंगे। क्या है कि ऑल राइट फोक्स, फोक्स का मतलब लोग होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑल राइट फोक्स है ना, वी हैव जस्ट बिगन, हमने अभी शुरू किया है, एंड वी विल कंटिन्यू, हम लोग कंटिन्यू रखेंगे टू चैट मोर विद आर गेस्ट है ना, कि अपने चैट का मतलब है बातचीत किससे, जो हमारे गेस्ट हैं उनसे, गेस्ट हैं उनसे है ना। रॉबिन्स लाइफ एंड द नॉवल आई टू हैड अ लव स्टोरी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, एंड यस इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क देम योर क्वेश्चन, कि इफ़ लगाया है उन्हें है ना, कि अगर आप लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उनसे, कॉल अस एट 9892792792 है ना, इस नंबर पे कॉल करें है ना। तो चलिए यहीं पर इसको हम रोकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में है ना, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं। यस।